मकान जान लीजिए, इसका इधर था भी नहीं, ऊपर वाला जो बना हुआ है था भी नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती मकान धीरे धीरे रात को बनाए और हमारे मोहल्ले के लोग डरते रहे, बोले नहीं। हम लोग जब समझाते तो हमारे खिलाफ भी जाके एप्लीकेशन दिया। और पीड़ित का घर है, पीड़िता का घर है, एक खपड़ा है, दिखाइएगा जरा ये कैसे गरीबी हालात में जीवन यापन कर रहे थे। पांच बहन एक इकलौता भाई, देखिए तीन बहन का शादी हुई, डेढ़ बीघा खेत बेच के तीनों बहन का शादी किया है, इतने गरीब थे। अगर खेत नहीं होता तो जाए भीख मांग के शादी करना पड़ता। ढांडस बताने के लिए क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत देखिए कुछ नहीं हो पाया, पीड़ित है, वो लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। बस पिताजी से मुलाकात हुई, पिताजी देखते ही रोने लगे, कुछ आवाज़ें नहीं आ रही है कि हमसे कुछ बातचीत करें। मैंने बोला कि चलिए पिताजी, जो होना था हो गया, आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ मैं प्रशासन मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि देखिए हम लोगों की आप राजा हैं, यहाँ जात बिरादरी की बात आप बिल्कुल मत करिएगा। आप एक परिवार में घटना हुई है, किसी का बेटा गया है, एक लौता बेटा था, आप उस परिवार के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। दो बहनें बेचारी शादी भी होगी, अभी पता चला को जमीन बेच के अपने तीन बेटियों की शादी की, तीन बेटियों की शादी की और वही इनके दूध का व्यवसाय जो होता है गांव में, भैंसिया वैसिया रखते लोग, उसी से इनका खर्चा चलता था। और इतना बड़ा तो है नहीं कि वो अपना फिर बेटियों का शादी कर ले, नहीं अपने अपने बुढ़ापे का सहारा बन सके। हर माता पिता को एक बेटा का सहारा होना बहुत जरूरी होता है, उनका बेटा खो गया, इसलिए मैं ये कहूँगी सरकार से कि सहारा के लिए कुछ आप करिए, कुछ सोचिए। आपसे निवेदन है कि उस परिवार में नौकरी हो, पैसा हो, जितना भी हो सके, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप जरूर इस परिवार को देखिए और मदद की। एक माँ का दर्द, एक बहन का दर्द आप समझ सकती हैं, एक महिला है, आज क्या उस माँ के ऊपर बीत रही होगी? क्योंकि जिस बच्चे को माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में पाला और बहने लाड प्यार देती थी, आज उसी का 17 वर्षीय बच्चा ऐसे सर अलग धड़ अलग ऐसे तड़प रही थी बाड़ी, कैसा गमगीन माहौल, कभी आपने सुना था ऐसा? देखिए जब मैं जा रही थी कहीं प्रोग्राम में और मेरे पति देव देखे फेसबुक पर, बोले जाना देख रही हूँ अपने जौनपुर में से कितना हुई, जब मुझे दिखा तब से मैं डिस्टर्ब चल रही थी, मैं मंच पे गा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। मेरी पार्टी ने बोले अरे उजाला क्या हो गया, मैं बोली भैया ऐसी ऐसी घटना हुई है, जब से देखी हूँ तब से समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पार्टी वाले बोलते मुझे समझाने लगे कि तुम बहुत छोड़ दिल हो उजाला, ऐसे मत घटना देखा करे। मैं बोली भैया कैसे नहीं देखेंगे, अपने ही समाज के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, कई इंसान जानवर में समझिए कि कुछ इंसानियत मिल जाता है भैया, बल्कि इंसान से अच्छा जानवर है। आज जानवर को भी अगर आप कुछ कह देंगे, एक बार डांट देंगे तो मान जाएगा, लेकिन इंसान इस घटना को देख के लगता है कि इंसानियत जैसे मर गई हो। चंद टुकड़े जमीन के लिए आज वही जमीन धरी की धरी रह गई है और देखिए हालत हो गई आज, जमीन वही रह गई। अगर जमीन का विवाद है तो मैं यही कहूंगी कि ये जो लेखपाल हैं, राजस्व विभाग के लोग हैं, जो SDM साहब हैं, DM साहब हैं, तमाम प्रशासन के लोग हैं, उस पर इन लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो झगड़ा है पूरी कोशिश करिए कि वो झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन ये लोग क्या खत्म करेंगे, ये लोग खुद घुस लेते हैं पैसा के बल पे। आप पैसा दे दीजिए आपका सुनेंगे, वो पैसा दे दीजिए उनका सुन लेंगे। ये लोग अगर चाह जाए तो ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता है जी। पुलिस प्रशासन टाल मटोल करती रही है बराबर, नहीं ये लोगों की बात कर रही हूँ जो राजस्व कानून, ये लोग 100-100 रुपया के लिए ना होंगे, लोग सुनेंगे कमेंट भी करेंगे, लेकिन ये लोग 100-100 रुपया के लिए मरते हैं, समझ लीजिए। अगर ये लोग कदम उठा लें कि मैं सच्चाई से काम करूंगा तो शायद ऐसी घटना कभी नहीं हो सकती। नहीं देखिए हर गांव में, हर बिरादरी में, हर क्षेत्र में यही सुनने को लिए मिलता है, ये लोग कुछ सर्वे नहीं करते, सिर्फ घूस ले रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। अच्छा। सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये लोग लेते हैं और बोलते हैं कि ऊपर पैसा देना है, सरकार को बदनाम करते हैं, ये लोग खुद करते हैं बदनाम खुले जी। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग विचार कर ले तो आज किसी का लाल नहीं जाता जी। आज एक माँ की कोख सुनी हो गई। आप एक लोक गायिका है, लोक हित की बात करती है, तो लोग यहाँ पर बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं कि रमेश के घर बुलडोजर चलना चाहिए, माँ भी कह रही है, बेटी भी कह रही है, आप एक लोक गायिका है, विरह गायिका है, क्या मांग करती है? देखिए हम मांग क्या करेंगे, तो भाई
जांच का विषय है, प्रशासन के लोग जांच करें और इस बात को माननीय आदित्यनाथ योगी जी देख रहे होंगे, देखते होंगे। आप भी देखिए, अगर अवैध किसी का कोई भी गलत कर रहा है तो उसके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए इस परिवार को, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आप क्या मदद की, आश्वासन दे क्या उनको? देखिए, जो मैं देखिए कोई नेता मंत्री तो जी, मैं एक गायिका हूँ, मेहनत से कमाती हूँ, जो भी जहाँ भी जितना जो भी सफलता मैं अपने हिसाब से करती हूँ और इसको मैं ओपन नहीं कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत ठीक उजाला जी, बहुत उनके तरफ से क्या प्लानिंग था पूरे परिवार के, पूरे परिवार को साफ करने का? वो लोग देखिए, वो लोग धनतेरस के दिन शाम को 4 बजे से लगभग 11 बजे रात तक बात करते और मेरे किचन में रहिए तो पूरी बात सुनाई देती है। 5 मीटर की दूरी है पीछे से, वही बात करवा लेंगे। वो लोग बोलते थे हमको थोड़ी पता नहीं है, एक जगह सब लोग लगा के पता नहीं है, सभी लोगों की बात मेरे बोलता था कि खत्म करेंगे आज शाम को, नहीं तो कल सुबह बढ़ जाए। कल सुबह और आज शाम तक नहीं हुआ तो दिवाली के दिन पूरा घर उड़ा दीजिए, 4 बम मिला है। ये तो बस तलवारें दिखा रहे हैं, वो तलवार दिखाई है जिससे मेरे भाई का अवसर काटा, तलवार तो दिखी नहीं, ना ही पिस्टल दिख रही है, ना ही बम दिख रहा है। चार खाने वाली क्या बोल रहे थे इसके पहले आप, मतलब खाने की कई बार गई, खाने वाली क्या बोल रहे थे, क्या 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 बोल रहे थे? बोल रहे थे कि ये हाँ हाँ हाँ, मतलब न्याय दिलाने के बजाय में खुद बात करें। आप एक ही पहनिए भैया, तो हमारा अभी हम बता रहे, दरोगा जी खुद आए थे, दरोगा जी खुद आए थे, बोले कि मैं आपका बयान ले रहा हूँ, ठीक, उन्होंने तो मेरा बयान लिया नहीं, सबसे साइन करवा लिए, मेरे परिवार के सामने हमसे साइन करवा लिए सर, पता नहीं वो अपने मन से क्या दिख लेंगे, साइन तो करवा लिए हमने आपके भरोसे पे, हमने सोचा कि आपको मैं न्याय दिलाऊंगी ना, मेरी बात तो लिखी नहीं आ रही।